हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि प्रजातंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन के कारण और निरक्षरता के कारण, इलिटरेसी के कारण भी भारतीय प्रजातंत्र के सामने चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे रीजनल पैरिटीज का मतलब क्या होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है वो चुनौती उत्पन्न करता है। इसमें जैसे आप बात करेंगे कि भाई जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो क्या है, तो क्षेत्रीय असंतुलन भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक तरह की चुनौती के रूप में विद्यमान होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व के अधिकतम जनसंख्या वाले देशों में है और इसका जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। 2001 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ हो गई है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो भारत में हम सभी जानते हैं कि भौगोलिक आधार पर बहुत सारी विषमताएँ पाई जाती हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है, बहुत उपजाऊ वाले क्षेत्र हैं। तो दूसरी तरफ क्या है, हमारा राजस्थान है जिसमें मरुस्थल में अल्प मात्रा में भी कृषि बहुत संभव नहीं है, बट लेकिन अब धीरे धीरे जो अपना पश्चिमी राजस्थान है वो कृषि के क्षेत्र में साउंड होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी क्षेत्र में तो कपास अधिक होता है, किसी में गेहूँ ज़्यादा होता है, किसी में खनिज होता है। तो इसके साथ ही क्या होता है कि ये तो था हमारा एग्रीकल्चर वेरिएशन। दूसरा जो वेरिएशन आता है वो ये आता है कि यहाँ पर मल्टी कास्टिज्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, संप्रदायों के, सांस्कृतिक स्थिति वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो भारत जैसे जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से जो विभिन्नता लिए हुए जो देश है उसके सामने जो डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर कि एक जैसी कल्चर होती है उससे भिन्नता होना स्वाभाविक है। और ये भिन्नता अभी नहीं आई है, ये भिन्नता हमारे स्वतंत्र होने से पूर्व भी विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने और उसके बाद की जितनी भी सरकारें आईं उन्होंने इसमें नियोजन के तहत बहुत सारी व्यवस्था बनाने का लगातार प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दृष्टिकोण ऐसे हैं जिनके कारण यहाँ पर गंभीर असंतुलन बना हुआ है। क्षेत्रीय असंतुलन द्वारा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन ने क्षेत्रवाद को तथा पृथकतावाद की भावना को जन्म दिया है। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के निम्नलिखित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्षेत्रीय असंतुलन क्या करता है, सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे पास है कि राष्ट्र के टुकड़े हो जाना, मतलब हर जो राज्य है, हर जो क्षेत्र है वो अपने आप को स्वतंत्र दिखाना चाहता है और वह जो छोटे छोटे राज्यों में राष्ट्र को बांटना चाहता है। दूसरा जो समस्या है वो ये है कि इससे हिंसात्मक राजनीति को जन्म मिला है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे स्वार्थी लोगों को अपना जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो क्या करते हैं कि कोई कोई मुद्दा उठा लेते हैं और फिर उससे क्या होता है कि वो हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं और राज्यों में क्या होता है, आंदोलन उत्पन्न हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, तनाव आदि की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। क्षेत्रीय असंतुलन ने ही भूमिपुत्र की एक मदर सन की जो कंसेप्ट है कि माँ हमारी मातृभूमि है और इसके तहत क्या होता है कि राज्य के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने के संबंध में विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए। मतलब वो फाइट, जैसे मान लो कोई वैकेंसी निकली है तो उसके लिए वो फाइट ऐसे नहीं, वो ये कहेंगे कि हमारा जो वैकेंसी है हमारे पास ही रहेगी, दूसरे राज्य के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है वो क्षेत्रीय असंतुलन की धारणा को जन्म मिलता है। क्षेत्रीय असंतुलन के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, कई सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म होने लग जाता है।
तो लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करके संपूर्ण देश के संतुलित विकास के लिए प्रयास किए जाएं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाए, औद्योगिक उत्पादन की नई नई तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जाए, कृषि के उत्पादन के लिए उन्नतिशील बीजों, रासायनिक खादों, सिंचाई के साधनों व कृषि यंत्रों के प्रयोग के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शहरों और गांवों की विकास दर में बहुत अधिक अंतर है, ये हम सब जानते हैं। तो गांवों के विकास के लिए ग्रामीण जो समन्वित प्रोग्राम है उनको लगातार चालू रखना चाहिए और सरकार का जो भी नियंत्रण हो वो उसको मॉनिटर करता रहना चाहिए। विदेशी घुसपैठ पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा उन राज्यों के मूल निवासियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए जो कि इस तरह की मुद्दा उठा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिसके लिए क्या होता है कि जो कोई भी जो चीज़ है वो स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको वहीं पर ही रोक दिया जाए और लोगों को दमनकारी नीति से रोकने की बजाय उनको सेटिस्फाइड किया जाए और जो वह चाह रहे हैं उनको उसी क्षेत्र में दिलवाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में विचार। इसी संदर्भ में एक और समस्या हमारे सामने आती है, वो आती है इलिटरेसी की, यानी कि निरक्षरता की। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निवास करती है, तो जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा कर सकती है? या तो स्वयं के द्वारा या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। तो जनता के द्वारा अपने इस शक्ति का प्रयोग सही रूप में तभी किया जा सकता है जब कि जनता शिक्षित हो। और किंतु हम सभी जानते हैं कि भारत में जो लिटरेसी रेशियो है वो बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हम जनता को जो एक साइनिंग अथॉरिटी के हिसाब से, मतलब हस्ताक्षर की कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ा करके उसको लिटरेट कैपेसिटी में रखेंगे, तभी हम अपनी प्रजातंत्र के समक्ष जो चुनौती निरक्षरता की आ रही है तो वह कम की जा सकती है। आज भारत में साक्षरता का प्रतिशत नेशनल लेवल पर 52.21 है और आज के युग में निरक्षरता मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। निरक्षर व्यक्ति को अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का कोई ज्ञान नहीं होता है, ना तो वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और न कर्तव्यों का पालन ही उचित प्रकार से कर सकता है। निरक्षरता के जो दुष्परिणाम हैं वो इस प्रकार बताए जा सकते हैं, जैसे वो बहुत कॉमन से दुष्परिणाम है, वो हम सभी डेली रूटीन में अपने सामने उनका सामना करते हैं। क्योंकि निरक्षरता और अज्ञानता के कारण भारत के विकास की गति बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वास में बहुत अधिक बल दिया जाता है। निरक्षर व्यक्ति का जीवन के सभी क्षेत्रों में अगर कोई अवेकनिंग नहीं है तो उसका शोषण किया जाता है, जिसके कारण निरक्षरता और अज्ञानता के कारण अपराधों में लगातार वृद्धि होती है। एक और बात हमने करी थी कि जो हमारा न्यायिक दृष्टिकोण है, पारदर्शिता की हमने न्यायिक दृष्टिकोण की बात करी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पता नहीं होता कि हमें हमारे किसी भी तरह के जो हमारे पर अत्याचार हो रहे हैं उनका हम कहाँ पर अपनी कंप्लेन लिखवाएं, कहाँ पर बताएं, तो इसके बारे में भी फिर वो अन्याय सहने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। अंधविश्वास की बात हमने करी, जिसके कारण क्या होता है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। फिर एक और बात है कि जो दहेज प्रथा है, उत्पीड़न है, नारी का शोषण है, तो ये सब चीजें भी निरक्षरता के कारण ही बनी हुई हैं। इसके लिए कुछ हम सामान्य जनजीवन में उपाय कर सकते हैं, जैसे कि एक तो सभी व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, और
जो लड़की या लड़का किन्हीं कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको कुछ विशेष रोजगार के साथ में, ताकि वह अपना अर्निंग कैपेसिटी भी रख सके और पढ़ सके, इसके लिए हमें प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की लगातार मांग की जा रही है और लगातार उन पर कार्य किया जा रहा है और उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली भी ये होना चाहिए, ना कि ये ऑन पेपर ही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा को एक बेरोजगारों की शिक्षा न बना करके उसको रोजगारोन्मुख शिक्षा बनाए जाने पर सरकार के द्वारा लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए। एक और बात है कि शिक्षा में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न जाति के आधार पर, ना संप्रदाय के, न क्षेत्र के, भाषा के, किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समुचित शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण का महत्वपूर्ण साधन मानी गई है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि निरक्षरता मानव समाज तथा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। निरक्षरता को शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, और शिक्षा ही वह वास्तव में वह शक्ति है जो मनुष्य के चिंतन, मनन और उसके निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती है। और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान हो सकता है। आर्थिक शोषण तथा दमन से मुक्ति का मूल मंत्र ही शिक्षा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान शिक्षा से ही संभव हो सकता है। थैंक यू।